हम अभी पहला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐसे आगे पढ़ेंगे, वो लिक्विड इन मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। लिक्विड जब मोशन में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है लिक्विड, तब के लिए पढ़ रहे हैं इसे। तो एवरी मटेरियल बॉडी हैविंग अ मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी। तो लिक्विड भी जब मूव कर रहा है तो क्या है उसमें काइनेटिक एनर्जी? सिंपल सी बात है, वो काइनेटिक एनर्जी है जो आज हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो लिक्विड में जब लिक्विड मूव कर रहा है तो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। इसके साथ साथ लिक्विड में दो डिफरेंट एनर्जीज और हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं हो सकती। आपकी घर की छत पर ऊपर टंकी रखी हुई है, कभी भी आपने कोई नल नहीं खोला हुआ, सब कुछ बंद है, तो अब उसके अंदर भरा हुआ वाटर तो स्टैग्नेंट है, क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी है? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन क्या उसमें एनर्जी है? पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वाई? हाइट पर है, बिकॉज इट इज अबव द अर्थ सरफेस, और उसे हाइट पर वो पोटेंशियल एनर्जी लाने के लिए ही आपको पंप चलाना पड़ता है। पंप क्या करता है? वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर देता है उस पानी को जो आपके टंकी में ऊपर उठा करके। तो अगर लिक्विड अर्थ सरफेस से ऊपर है तब उसमें क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। एक एनर्जी और हो सकती है और होती है लिक्विड में, जिसे हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल लेते हैं, अब लिक्विड हेडिंग डालिए, एनर्जीज प्रोसेस बाय लिक्विड। अ लिक्विड में प्रोसेस अप टू थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी, इफ लिक्विड इज इन मोशन द काइनेटिक एनर्जी पोजिस्ड बाय मास एम ऑफ लिक्विड इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। हम तीनों ही एनर्जी को तीन अलग अलग रूप में लिखेंगे। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी पोजिस्ड बाय लिक्विड हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी पोजिस पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड कितना होगा? हाफ वी स्क्वायर। भाई मास एम में कितनी एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास एम में एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो एक किलोग्राम में या यूनिट मास में कितनी एनर्जी होगी? जितनी एनर्जी है उसे मास से डिवाइड कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर को आपने मास से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? हाफ वी स्क्वायर। देखने में ऐसा लगता है कि मास नहीं है इसके अंदर, लेकिन है मास इसमें, वन है वो। तो अब इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की सिंपल यूनिट जूल, लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास करेंगे तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी? जूल पर कहेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय पोजेस्ड पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड इक्वल्स हाफ वी स्क्वायर जूल पर केजी। नेक्स्ट लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी नंबर टू, मैटिक काइनेटिक एनर्जी को एक तो हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और पर यूनिट वॉल्यूम भी हमने लेना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, और मास को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हाफ रो वी स्क्वायर जूल पर क्यूबिक मीटर। अब इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर क्यूबिक मीटर, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इफ द लिक्विड इज अबव अर्थ सरफेस
इट पजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स हाफ नॉट नॉट हाफ इक्वल्स एम जी एच जूल वेस्टलाइन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड इक्वल्स जी एच जूल पर केजी नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल्स रो जी एच जूल पर क्यूबिक मीटर। अब तीसरी टाइप की एनर्जी जिसे अब आपने ध्यान से समझना है, इट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कहलाती है। प्रेशर एनर्जी क्या है समझिए इस ध्यान से। प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या है? प्रेशर एनर्जी एक कंटेनर है आपका, ड्रम जैसा कंटेनर। इस ड्रम जैसे कंटेनर में कहीं पर एक साइड ट्यूब लगी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे आपका टंकी में लगा होता है साइड में पानी निकलने के लिए पाइप। ये साइड में एक ट्यूब लगी हुई है और टंकी में भरा हुआ है पानी। ये आपका टंकी में पानी पूरा भरा हुआ, ओके। यहां साइड ट्यूब में भी और इस साइड ट्यूब में लगा हुआ है एक पिस्टन। यहां पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल पिस्टन, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि इंजेक्शन सीरीज में पिस्टन होता है मूवेबल। ये मूवेबल पिस्टन है, इसे आप मूव कर सकते हैं इनटू द साइड ट्यूब और आउटर साइड ट्यूब। अब यह देखिए आप, इस पिस्टन पर लिक्विड ने प्रेशर एग्जर्ट कर रखा होगा, तभी तो लिक्विड बाहर निकलता प्रेशर से। कितना प्रेशर है? कुछ है सर्टेन प्रेशर, लिखेंगे उसे भी। अगर आपने इस पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलना है अगेंस्ट लिक्विड प्रेशर, सम वर्क इज टू बी डन। आपको कुछ करना पड़ेगा, फोर्स अपने अप्लाई करनी पड़ेगी पिस्टन पर, और फोर्स भी है और आप पिस्टन को खिसका कर यहीं तक ले आए। यहां पर आपने मूव करा दिया पिस्टन को, ये कितना मूव करा दिया आपने? डीएक्स मूव करा दिया पिस्टन में। तो फोर्स भी आपने अप्लाई किया है और मोशन डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फिर क्या हुआ? वर्क इज टू बी डन, कुछ वर्क करना पड़ेगा। बस दिस वर्क इज कॉल्ड द प्रेशर एनर्जी। लिक्विड को उसके ही प्रेशर के अगेंस्ट, किसी भी लिक्विड को उसके प्रेशर के अगेंस्ट खिसकाने के लिए विदाउट एक्सीलरेशन। ध्यान ये रखनी बात कि हम ये मानकर चलेंगे कि पूरे के पूरे लिक्विड में मोशन डेवलप नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस इतना स्लो करेंगे कि मोशन डेवलप नहीं हुआ, वरना तो काइनेटिक एनर्जी का भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें, है ना? फिर और भी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए भी। और तो हम ये मान लीजिए ना कि विदाउट एक्सीलरेशन है और लिक्विड में मोशन डेवलप नहीं हुआ, तो वर्क डन फॉर पुशिंग लिक्विड अगेन इट्स ओन प्रेशर, खुद उसके प्रेशर के अगेंस्ट किसी लिक्विड को पुश करने में जितना वर्क किया जाएगा वही वर्क होगा, उसे ही हम कहेंगे प्रेशर एनर्जी। सिंपली उसे ही हम कहेंगे क्या? प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। क्लियर है इतनी बात? तो अब नेक्स्ट हैंड डाल देते हैं प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। इट इज द वर्क डन फॉर पुशिंग लिक्विड अगेंस्ट इट्स ओन प्रेशर विदाउट गिविंग एक्सीलरेशन और मोशन टू द लिक्विड। अब ये कितना है ये प्रेशर? ये कंटेनर, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड की ओपन सरफेस से
लिक्विड की ओपन सरफेस से एच डेप्थ पर एक साइड वेंट लगा हुआ है, साइड ट्यूब लगी हुई है। इस ट्यूब में है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस पिस्टन पर लिक्विड में, खुद लिक्विड में कितना प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एट पिस्टन, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एट पिस्टन इक्वल्स टू एच रो जी, जो कि लिक्विड कॉलम का नॉर्मल प्रेशर है। अब ये प्रेशर लिक्विड का लगा हुआ है कहां, इस पिस्टन पर, पिस्टन पर लिक्विड का प्रेशर लगा हुआ है कितना, एच रो जी। सिंपल सी बात है, पिस्टन को अपनी जगह रो के रखने के लिए आपको बाहर से एक फोर्स लगानी पड़ेगी। पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन द पिस्टन कितना होगा, फोर्स ऑन द पिस्टन किसके कारण, ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड प्रेशर के कारण कितना फोर्स होगा। सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कितना है, एच रो जी ए, दिस इज द फोर्स। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से लिक्विड ने इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेला हुआ, वो फोर्स है। इस पिस्टन को अपनी जगह बनाए रखने के लिए एक काउंटर फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, इतना एक साइड से पिस्टन पर लग रहा है। सीधी सी बात है, इसका वेट mg है, इस बॉडी का वेट, बार बार हम बात करते हैं, इस बॉडी का वेट mg है, तो इसे अपनी जगह रोके रखने के लिए अर्थ इस पर फोर्स कितना लगा रही है, mg डाउनवर्ड, इसे अपनी जगह रोके रखने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इस पर डाउनवर्ड फोर्स है इसे अपनी जगह रोके रखने के लिए उतना ही मुझे इक्वल अपोजिट अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, टू कीप द पिस्टन इन इट्स पोजिशन, फोर्स कितनी, फोर्स एच रो जी ए हैज टू बी अप्लाइड, हैज टू बी अप्लाइड। अब आपने क्या किया, लेट द पिस्टन इज पुश्ड इनटू द ट्यूब, इनटू द ट्यूब बाय एक्सटर्नल फोर्स, कैसा, विदाउट गिविंग लिक्विड एनी मोशन, मोशन में नहीं आने दिया आपने लिक्विड में, यानी कि आपने इस पिस्टन को इतना धीरे 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 अंदर किया कि पूरे का पूरा लिक्विड निकल गया। और साथ में एक बात और, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ओपन सरफेस बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, ताकि थोड़ा बहुत लिक्विड भी इसके अंदर आया है, उस लिक्विड से इस बड़े वाले ड्रम के अंदर लेवल में चेंज नहीं हुआ, इतना सारा पानी है कि थोड़ा बहुत इतना सारा लिक्विड है कि थोड़ा बहुत इस साइड वाइंड से अगर अंदर आ भी जाए लिक्विड, तो भी ओपन सरफेस से इस साइड वाइंड की डेप्थ नहीं बदलेगी, ओपन सरफेस राइज नहीं किया, ठीक है। तो फिर वर्क करना पड़ेगा आपको, वर्क हैज टू बी डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स कितना है आपका, एच रो जी ए डी एक्स जूल, ये आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। और यही जो वर्क डन है, अच्छा एक चीज और देखो जरा ध्यान से, एरिया इंटू डीएक्स कितना हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डीएक्स कितना होगा,
वैल्यू मुझे आ रही। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इक्वल्स डीवी, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कौन सा पोस्ट। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एच रो जी डी। याद रखिएगा ये डे और डीवी हम छोटा सा ले रहे हैं बिल्कुल, इसलिए अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया इसका, अगर यहाँ इस पिस्टन का वॉल्यूम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा, बहुत सारा अंदर कर दिया आपने, तो फिर इस लिक्विड के कारण जो नया लिक्विड आ गया इस बड़े वाले कंटेनर में, ड्रम में, तो ऊपर का लेवल राइज कर जाएगा, इसलिए हम स्मॉल वॉल्यूम डी भी ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज वर्क डन। ओके, एंड दिस वर्क डन, दिस वर्क डन appear as what? Pressure energy of liquid. ठीक है, hence pressure energy, pressure energy को मैं क्या लिखू, pressure energy ही लिख देता हूं, PE लिख देता हूं, is equals to कितना h rho g dV joule। pressure energy per unit volume कितना होगा, per unit mass, प्रेशर एनर्जी, हाँ जी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास के लिए मैं इसको नीचे मास लिख दू छोटा सा, हालांकि मैं गलत लिख रहा हूं, तो इसे हमने मास से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो एच रो जी डीवी बाय मास, और मास में तो यही होगा वॉल्यूम इन डेंसिटी, है ना, एच रो जी डीवी, रो डेंसिटी और वॉल्यूम वही डीवी, तो क्या बचेगा ये, फिर ये बचेगा सिंपली एच जी जूल पर केजी। ओके, देन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैं इसको पीई वॉल लिख देता हूं, ये हो जाएगा एच ओ जी डी बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कौन सा जो जिसको पुश किया है, तो एच ओ जी डीवी बाय डीवी कितना बन गया, एच ओ जी जूल पर क्यूबिक मीटर, सिंपली ये आपका बन गया प्रेशर एनर्जी के इक्वेशन।